हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, इसलिए जो 14 दिन के लिए एक स्टे लगा है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने को, उसको हम बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर फिर चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन यहां दो तीन बातें जो विपक्षी लोग जो झूठ मूठ का लोगों को डराने के लिए उछाल रहे हैं, मैं उस पर आपको स्पष्ट बता दूं कि 1731 कॉलोनियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको इलीगल स्टेटस से हटा दिया है। अब आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि उन सब की रजिस्ट्री हो रही है, आप लोग अपना अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लीजिए। जो अवैध है संकट उसी पे होगा। इलीगल इंक्रोचमेंट अभी सड़कों पे चल रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, हम 2017 में भी ऐसा नियम पास किए संसद में जहां हमने तय किया है कि इतने समय तक बना हुआ घर वो नहीं तोड़ा जाएगा। तो किसी भी बहकावे में मत आए, इलीगल इंक्रोचमेंट एक सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए हमेशा ही बड़ा खतरा होता है, बड़ी परेशानी होता है। उस पे जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से आप लोग उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। और मैं अंत में ये भी बोलना चाहता हूं कि धार्मिक चश्मे से ये देखना बंद करें लोग, क्योंकि ये वही लोग हैं। आज कांग्रेस अजय माकन जी भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी फटे पड़े हैं। इन लोगों ने इस दिल्ली को सीलिंग का दर्द दिया है। सबसे पहले अजय माकन जी ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीलिंग का दर्द दिया। क्या उसके सामने खड़ी हुई? हम सब तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो मेरे दिल्ली के भाई बहन, आप किसी बहकावे में नहीं आइएगा। जहां तक रही इलीगल इंक्रोचमेंट की बात, दंगाइयों पे कार्रवाई की बात, वो चलना चाहिए और आप सबकी इच्छा के अनुरूप वो चल रहा है।